रखिए। आखिरी गेंद। तो फिर गाइस यहाँ पे ECL में रजत दलाल ने अपनी उंगली घुमा दी है, जो कि उनका गाना है जाके उंगली घुमाई जाटा ने, जो उनका गाना है, मतलब जो फेमस वो डायलॉग है उनका लगाते हैं रील्स पे या फिर हर जगह। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस किसी को ना पता हो, बेंगलोर बेसर्स वर्सेस हरियाणवी हंटर्स के बीच हुआ था मुकाबला, जिसमें कि भाई बहुत ही इंटेंस मैच था। मैं तो खुद पर्सनली लाइव मैच देख रहा था, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल जो है मैच समरी की, वो इस प्रकार है। और उसके साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं, जब इनकी टीम, ठीक है, एकदम इंटेंस सिचुएशन में थी, मतलब एकदम पता ही नहीं लग रहा था कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, जब ही रजत दलाल ने एंट्री ली और रजत दलाल ने मैच जो है एक तरफा कर दिया, सुनो। और कुटकुट भाई भाई ने एक तरफा मैच कर दिया। तो फिर गाइस जैसे कि आपने सुना एलविस यादव के, खुद उन्होंने खुद कहा है कि इन दोनों बंदों ने, एक तरफ रजत दलाल थे और दूसरी तरफ दूसरे प्लेयर थे, तो इन दोनों ने जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई। उसके साथ साथ गाइस फुकरा इंसान को हेट मिल रही है, पता नहीं क्यों। गाइस मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, आई डोंट नो फुकरा इंसान को हेट क्यों मिल रही है। अगर फुकरा इंसान की जगह कोई और भी होता तो वो क्या करता, वो भी जीतने की कोशिश करता या फिर वो भी खेलने की कोशिश करता, ठीक है गाइस। हमें किसी को हेट देने की जरूरत नहीं है, मैं तो पर्सनली यही ओपिनियन देना चाहूँगा, क्योंकि फुकरा इंसान ने एल्विस के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, उसका काम था खेलना तो उसने बस खेला है, ठीक है गाइस। पता नहीं बंदे फुकरा इंसान को इतना हेट क्यों दे रहे हैं, क्राउड में भी चिल्ला रहे थे कि हारेगा हारेगा फुकरा हारेगा, मतलब विदाउट एनी रीज़न किसी को हेट देना अच्छी बात नहीं है। तो फिर अच्छा होगा कि हम लोग एक बढ़िया तरीके से किसी बंदे को हेट ना दें और जिसको सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट करें। नो हेट टू एल्विस यादव ऑल्सो, बट आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो वो चीज़ अच्छी है, लेकिन विदाउट एनी रीज़न किसी को हेट देना इट इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। ओके गाइस, मेरा कहना बस यही है। बाकी गाइस ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना।